Brought to you by Khata Book. मैं बाद में दे दूँ। देखिए अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी। जितने भी रोगी घूम रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हेमंत कटारे आएंगे हमें तेल लगाएंगे कि चाचा आया वोट दे दो, तो हेमंत कटारे किसी को तेल नहीं लगाएगा। मंच से भाषण दे रहे ये हैं भिंड के मेहगांव से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे। वो कह रहे हैं कि वोट के लिए किसी विरोधी को तेल नहीं लगाएंगे, जिसको वोट देना है वो दे, ना देना है ना दे। जिस वक्त हेमंत कटारे अपना भाषण दे रहे थे उस वक्त मंच पर पूर्व सीएम कमलनाथ भी मौजूद थे। मेरे पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से हिम्मत रखता हूँ, वो जज्बा रखता हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी मैं विधायक भी नहीं था, और एक बार दो दो एसपीओ को मैंने सस्पेंड करवाया बीजेपी की सरकार में, और टीआई और एसडीओपी की तो गिनती भी नहीं है। पुलिस वालों तुम भी सुन लो, रेवेन्यू वालों तुम भी सुन लो, अपनी जनता के लिए जान हरा दूंगा आधी रात को, आकाश से तो हाथ लगा के दिखा दे रहा मैं कह रहा हूँ इस मंच से। आज ओपीएस भदौरिया के साथ जितने रेत माफिया घूम रहे हैं, जितने विरोधी घूम रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हेमंत कटारे आएंगे हमें तेल लगाएंगे कि चाचा आया वोट दे दो, तो हेमंत कटारे किसी को तेल नहीं लगाएगा। अपने विरोधियों को भी कह रहा हूँ और ताकत से झंडा ऊपर उठाओ। हालांकि कमलनाथ ने हेमंत कटारे के इस भाषण पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने एमपी के शिवराज सरकार पर जरूर कई आरोप लगाए और लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशी का यह भाषण अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बीजेपी अब हेमंत कटारे का ये वीडियो शेयर कर कांग्रेस पर हमले कर रही है। आपको बता दें कि मेहगांव में भी उपचुनाव होने वाला है, यहाँ से बीजेपी की तरफ से ओपीएस भदौरिया चुनावी मैदान में हैं। भिंड से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट।